विधानसभा क्षेत्र गौरझामर पंचायत के 16 सदस्यों ने इस्तीफा देने पहुंचे देवरी अनुविभागीय राजस्व अधिकारी के समक्ष। गौरझामर पंचायत के सरपंच और सचिव की अनियमितता और भ्रष्टाचार से प्रताड़ित होकर 16 सदस्य इस्तीफा देने को हैं बाधित। 1 जुलाई 2020 से पंचायत संबंधित कार्यों का 1,05,00,000 आय व्यय का लेखा जोखा पंचायत कमेटी और सदस्यों को नहीं दिया। पंचायत की बैठकों में फर्जी प्रस्ताव डाले गए गौरझामर पंचायत के 16 सदस्यों ने लगातार सरपंच और सचिव पर आरोप लगाए हैं। गौरझामर ग्राम पंचायत में सरपंच के खिलाफ 16-5 सदस्यों हुए नाराज, इस्तीफा देने पहुंचे एसडीएम अनुविभागीय अधिकारी के समक्ष। देवरी जनपद पंचायत की सबसे बड़ी ग्राम पंचायत गौरझामर सरपंच पर भ्रष्टाचार के आरोप लगाते हुए 16 पंचों सदस्यों ने अनुविभागीय अधिकारी कार्यालय पहुंचकर इस्तीफे की पेशकश की। जानकारी के अनुसार ग्राम पंचायत गौरझामर पंचायत में हो रहे निर्माण कार्यों में लगातार भ्रष्टाचार उजागर हो रहे हैं और 3 के 13 बनाकर सरपंच सचिवों द्वारा भुगतान किए जा रहे और निर्माण कार्यों में गुणवत्ताहीन स्थिति देखने को मिल रही है। इन्हीं निर्माण से लेकर 16 पंच सरपंच के खिलाफ लामबंद होकर एसडीएम कार्यालय पहुंचे और इस्तीफा देने की पेशकश। वहीं वार्ड क्रमांक 4 ममता गोंड ने सरपंच पर आरोप लगाते हुए कहा कि निर्माण कार्यों में 1,05,00,000 की लागत से आय व्यय किया गया, वे पूरे कार्य गुणवत्ताहीन है और हम पांचों द्वारा उसे निर्माण कार्य की लागत, खर्च किए गए बिल वाउचर आदि की जानकारी मांगी तो सरपंच सचिव द्वारा किसी प्रकार की जानकारी उपलब्ध नहीं कराई गई। इस कारण से हम अपने आत्मसम्मान को बचाने के लिए 16 पंच पद को त्याग करने के लिए एसडीएम कार्यालय आए हैं। वहीं दूसरी ओर शेष 15 सदस्यों द्वारा इस्तीफे की पेशकश करते हुए यही कारण बताए, जिनमें गुलाबबई वार्ड क्रमांक 14 और सुनील लोधी वार्ड क्रमांक 13, यशवंत राजपूत वार्ड क्रमांक 5, शिव कुमार यादव वार्ड क्रमांक 18, प्रीति पटेल वार्ड क्रमांक 1, प्रीति अहिरवार वार्ड क्रमांक 10, राजेश जैन वार्ड क्रमांक 19 और रामवती साहू वार्ड क्रमांक 17, दिव्या लोधी वार्ड क्रमांक 11, दुर्गा पटेल वार्ड क्रमांक 15, प्रीति जैन वार्ड क्रमांक 6, राहुल खटी वार्ड क्रमांक 2, विद्या शर्मा वार्ड क्रमांक 9, बबलू पटेल वार्ड क्रमांक 3 आदि में सामूहिक रूप से सरपंच एवं सचिव की शिकायत करते हुए और पंचायत में लगातार हो रहे पंचायत की राशि का दुरुपयोग एवं आय व्यय की किसी प्रकार की जानकारी उपलब्ध न होने से हम सभी 16 पंचों ने नाराज होकर अपने पंच पद से इस्तीफा देने देवरी अनुविभागीय अधिकारी देवरी कार्यालय पहुँचे। आप गौरझामर पंचायत में पंच के पद पर हैं, आज आप लोग यहाँ पे आए हैं, किस हम लोग आम आदमी से इस्तीफा देने आए, ना तो हमारे वार्ड का कोई भी काम। मेरा नाम है गोपाल प्रसाद साहब जी। कहाँ से आए हैं आज? गौरझामर से। गौरझामर पंचायत में किस पद पर हैं? माता राम पंच है, मगर लगने के कारण नहीं आ पाई, उसकी जगह पर मैं आया। क्या क्या समस्या थी जो आज आप लोग आए हैं? हम लोग सरपंच से परेशान हैं, ग्राम पंचायत वाले गौरझामर में कोई काम नहीं कराती हैं, बेवजह पैसे निकालते हैं, जमाने भर के बिल डालते हैं, कहीं से अपन सामग्री लो 300 रुपये बोली तो 350 का बिल डालती है, क्या सरकारी पैसा इसलिए आता है कि कहीं 300 की चीज़ मिले तो 350 किलो है। पब्लिक का कुछ भला नहीं हो रहा है, जाकर तो कचरा पड़ा रहता है और लाखों रुपये पेमेंट निकलती है कर्मचारियों की। अभी तक के रिकॉर्ड में 1,25,000 रुपये निकाल लिए, जिसका अभी तक 25-30 लाख का विकास भी नहीं हुआ है गौरझामर। तो जो एक घोटाले की बात आ रही थी अभी के, अब 1.5 करोड़ का घोटाला, ये कैसा घोटाला है? एक करोड़ सवा का मकान है, 1 करोड़ के लगभग घोटाला किया है इनने। और अपन हर 3 माह में मीटिंग बैठनी चाहिए, वो भी नहीं बैठती है, अपन इनसे हिसाब जब भी मीटिंग बैठती है अच्छे के लिए तो अपन उसका हिसाब मांगते तो हिसाब देती नहीं, तो हिसाब नहीं देते तो मीटिंग रद्द कर देते हैं। तो आज आप लोग एसडीएम के यहाँ? हम लोग इस्तीफा देने आए थे कि हमारे लिए पंचायत में भ्रष्टाचार आदमों के साथ नहीं रहना है, हम उनके साथ अपना नाम क्यों खराब करें। हमें वार्ड वासियों ने हमारे लिए जताया किस लिए कि हमारे वार्ड का काम होगा, और हम उनसे कहते तो वो काम भी नहीं कराते और वो काम की वजह राशि भी निकाल गप कर लेते हैं। वो जहाँ सोचते हैं कि हमारा जो खाता है बैंक में पंचायत का वो हमारा खाता है, किसी का नहीं है। किसने निकाली राशि? क्या नाम? सरपंच और सचिव। क्या नाम है उनका? माने सरपंच का क्या नाम है? सरपंच का नाम बबीता विश्वकर्मा है और सचिव का नाम है गोविंद तिवारी। बिना सरपंच की सहमति के क्या पैसे निकलते हैं कभी?
हम लोगों ने एडीएम साहब के आवेदन भी दिया था कि बिना कमेटी के पैसा ना निकले, फिर भी पैसे पे पैसे निकलते जा रहे हैं। तो आप लोग क्या चाहते हैं? हम लोग ये चाहते हैं कि अभी तो माने जब तक कमेटी नहीं बनती कोई पैसा ना निकले, माने आज की डेट से हम लोग ये चाहते हैं। आप लोग जनपद सीओ के यहाँ नहीं गए? जनपद सीओ की शिकायत की है, एडीएम साहब के भी की है, कलेक्टर साहब के थे, कलेक्टर साहब के तरह नहीं, कुछ नहीं हुआ इसकी। वो क्या है दवा परिसर की मारे, कुछ कोई अधिकारी कुछ नहीं कर पाता। इसके बाद क्या करेंगे अगर कोई कार्रवाई नहीं होती? अभी इसके बाद हम लोग जिला सीओ के जाएंगे इस्तीफा देने के लिए। यदि जिला सीओ आप लोगों का इस्तीफा मंजूर नहीं करते तो क्या करेंगे फिर आप लोग? कैसा? जिला सीओ यदि आप लोगों का इस्तीफा मंजूर नहीं करेंगे तो क्या करेंगे फिर आप सभी सदस्य? कोर्ट में जाएंगे। देवरी से संवाददाता भरत ठाकुर की खास रिपोर्ट।